हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बीरेन प्रताप है। मैं आप सभी को अभी पैन कार्ड कैसे बनेगा और ये न्यू पैन कार्ड जो आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, इसमें क्या है कि पहले 106 रुपये लगते थे पैन कार्ड बनाने के लिए, बट आप इस समय क्या है कि सब कुछ फ्री हो गया है। आप अपने मन से ई पैन कार्ड बना सकते हैं ऑनलाइन थ्रू, ठीक है? तो अभी आपको बताते हैं प्रोसेस किस तरीके से होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल पर जाएंगे, और गूगल पर जाने के बाद आपको गूगल पर जाना होगा। जैसे देखिए ये गूगल है, इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे गूगल पर, और उस पर सबसे पहले आप टाइप करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है? जैसे मैं लिखता हूँ इनकम टैक्स, देखिए जैसे लिखा हुआ आ गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद फर्स्ट जो रहेगा वेबसाइट, उस पर जैसे यहाँ पर ई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा, जैसा आप देख रहे हो फ्रेंड्स। अगर ऐसा आया है तो इस पर क्या करना है, ये तो मान लीजिए एक प्रकार से ऐड है, ऐड को आप यहाँ से कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे कट का ऑप्शन है, तो इस पर आप कट कर सकते हैं, ठीक है? कट करने के बाद फिर से अगर कर रहा है तो फिर से करिए, ठीक है फ्रेंड्स? अभी हमारे में नेट स्लो है इसलिए थोड़ा कम चल रहा है, तो ऐड फिर से काट दिया जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए आपके सामने कुछ ऐसा आता है इंटरफेस। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, किस पे करना है, तो देखिए सिंपल है। एक है कि इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, ठीक है? इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा खुलता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगे, अगर आप पहले भी बना चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो गलती ना कीजिएगा कि दोबारा गेट न्यू पैन पर कर दें। अगर आपको स्टेटस चेक करना हुआ तो आपके अगर आधार से बनाए ही हैं तो आधार नंबर डालकर मोबाइल पर आपके एक तो ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए हम जा रहे हैं इस पे गेट न्यू पैन पर। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस खुलकर आएगा। इसमें हम अपना आधार कार्ड फिल करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर कुछ कैप्चा है उसको डालेंगे, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना आधार नंबर यहाँ पर कुछ आपको दिखाते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अपना फिल किया है, ठीक है? तो आप भी फिल कर सकते हैं, और फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा आई कन्फर्म दैट, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आएगा आपका मैसेज। जैसे इसमें भी मैसेज मैं डालता हूँ, ठीक है? देखिए अभी मैं आप मैसेज फिल करके बताता हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो ओटीपी आया उसको डाल दिया है। आगे करते हैं, वैलिडेट आधार ओटीपी एंड कंटिन्यू, ठीक है फ्रेंड्स? ये कुछ प्रोसेस रहेंगे, जैसे इंटर आधार नंबर, वैलिडेट, फिर वैलिडेट आधार डिटेल्स। अब यहाँ पर सब अपना अपना डिटेल्स आ जाएगा फ्रेंड्स जो रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने एक आएगा आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है? इसमें सभी कंडीशन आप देख लीजिए। इसमें लिखा है द डिटेल आर करेक्ट एंड हाई आई हेयर बाय सर्टिफिकेट डू नॉट हैव एनी पेन अलॉटेड टू मी। आपके पास कोई दूसरा पेन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है, इन केस आई एम फाउंड बी इन पोजिशन ऑफ मोर देन वन पेन, मतलब एक पेन से अधिक नहीं है, सेल वी लीबल फॉर पेनल्टी। अगर आपके पास दूसरा पेन बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर पेनल्टी 10,000 रुपये लग सकती है अंडर सेक्शन 272 यानी 272B के तहत, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर और देख लीजिए, आई एम एग्री दैट परमानेंट नंबर में बी अलॉटेड बेस्ड ऑन आधार। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो इसमें यही है कि अगर आप अपना आधार से पेन अलॉटेड करना चाहते हैं तो इसको आई एक्सेप्ट करिए, ठीक है? तो भी मैं आई एक्सेप्ट कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट पैन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे, आपका सब कुछ फाइनल हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो धन्यवाद फ्रेंड्स।